शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। मेरा मानना है कि हर औरत शेरनी, तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात, इतना जाए रहे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, आप जो बोलना है बोलो, मुझे जो करना है मैं करूं। और जब रिजेक्शन फेस किया तो ऑफकोर्स मैं रोती थी, अपनी फैमिली से बात करती थी बहुत, मैं प्रे बहुत करती हूँ कि साई बाबा से बात करती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर मुझे ये देना नहीं था तो आपने मुझे ये सपना दिखाकर मुझे लालच क्यों दिया। आपके जंगल का टाइगर हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है, इसका कोई हल है आपके पास? हाय विजय बालन जी, बीबीसी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले विद्या विंसेंट की बात करते हैं, कम बोलती है करती ज्यादा है, और अगर मैं विद्या बालन की बात करूँ तो बहुत चुलबुली है, हसमुख है, और जो बात मुझे दोनों में कॉमन लगी वो है कि मेहनती है और अपने पूरे काम को पूरी ईमानदारी से करती है, ये तो मैंने महसूस किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपने क्या महसूस किया अपने दोनों के बारे में, खासकर खूबियों के बारे में। जैसे आपने कहा कि समानता यही है कि हम दोनों अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं, कभी कामयाब होते हैं कभी नहीं, पर नाकामयाबी के डर से हम अपने आप को रोकते नहीं है। पर जैसे आपने कहा कि मैं बहुत मुस्कुराती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, और विद्या विंसेंट बिल्कुल ऑपोजिट है उस तरह से, हम दोनों शेरनी हैं, और मेरा मानना है कि हर औरत शेरनी है। विद्या विंसेंट चुनौती से डरती नहीं है, काम करने से डरती नहीं है, सही काम सही तरीके से करने से डरती नहीं है। कहीं ना कहीं क्या आपको भी लगता है कि जो बाहरी दुनिया है वो भी एक जंगल है, और हर बार औरतों को अपनी क्षमता साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खासकर के चैलेंजेस बहुत रहते हैं, इस बात के बारे में आप क्या मानती हैं? जो फिल्म में लाइन है कि जंगल कितना भी घना क्यों ना हो शेरनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, ये बिल्कुल हर औरत पे लागू होता है कि हम कहीं भी हो, चाहे हम घर संभाल रहे हो या बड़े कॉर्पोरेट जॉब में हो, मीडिया में हो, एक्टर हो या पॉलिटिशियन हो, हम सब अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं, बना लेती हैं। कभी बहुत मुश्किलें आती हैं, कभी हम निराश भी हो जाती हैं, कभी मायूस भी हो जाते हैं, पर फिर भी किसी ना किसी तरह औरत सब कुछ संभाल लेती है। आज इतना मुकाम हासिल करने के बाद भी अपने उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? यू नो, लोग जो भी कहें, मैं अपने दिमाग से मैंने कभी सोचा नहीं है कि मकाम हासिल करना है या फिर उसे किस तरह से मेंटेन करना है। आई जस्ट गो विद द फ्लो। मैं सच्चाई के साथ जीने की कोशिश करती हूँ, काम करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि यू नो, सक्सेस एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट आगे बढ़ते रहना है, बस जो भी हो, सक्सेस हो उसके बाद भी आगे बढ़ना है और फेलियर हो उसके बाद भी आगे बढ़ना है। जानना चाहूंगी शुरुआती दौर में कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है, लाइक कई बार साबित करना पड़ता है औरतों को, और खास करके कुछ औरतों को लेकर जब मानसिकता होती है पुरुषों की, उन पुरुषों के बारे में क्या कहेंगी? नहीं, नहीं, सिर्फ करियर की शुरुआत में नहीं, अभी भी मैं इस चीज से गुजरती हूँ, हम औरतों की काबिलियत पर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, और ना सिर्फ प्रोफेशनल स्फीयर में, पर्सनली भी, आप कितनी अच्छी बेटी है, कितनी अच्छी बीवी है, कितनी अच्छी माँ है, हर बात पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। यू नो, हम इस वजह से जीना भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सारे रोल्स हमें निजी जिंदगी में मतलब ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस अच्छे से निभाना है। उस चक्कर में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम भी इंडिविजुअल हैं, इंसान हैं। बट आई थिंक विद एक्सपीरियंस मैंने सीखा है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहे। जब कहानी रिलीज हुई थी वो एक ऐसी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कमाया था, और आई थिंक फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों की बात करें या स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं नायिका ही उस फिल्म की हीरो है, उससे शुरुआत हुई थी, उसके बाद धरती पिक्चर आई, लेकिन जब रिलीज से पहले किस तरह की बातें आप तक पहुंच रही थी, क्योंकि कई बार इतना प्रमोशन, इतना कुछ एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के लिए, ये कुछ बहुत सारी बातें उठ रही थी उस दौरान।
अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आप इतना प्रमोट क्यों कर रही हैं या फिर कितनी। आई रिमेम्बर कहानी के वक्त डर्टी पिक्चर पहले रिलीज हुई फिर कहानी रिलीज हुई तो लोग कह रहे थे कि कौन जाएगा देखने प्रेग्नेंट वुमन की स्टोरी, पर कहानी ने तो इंडस्ट्री की कहानी बदल दी। फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स का एक नया दौर शुरू हुआ। अगर मेरे कान तक पहुंचती भी है बात तो दूसरे कान से मैं निकाल देती हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, आप जो बोलना है बोलो, मुझे जो करना है मैं करूँगी। और मैंने ये नहीं सोचा था कि अच्छा ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी और फिर लोग कहेंगे कि अच्छा महिला प्रधान फिल्में फिल्मों का एक दौर शुरू हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मैंने फिल्म की है उसे प्रमोट करना मेरा काम है ताकि ज्यादा लोग उसके बारे में जाने देखे, तो बस मैंने वही किया। जैसे अभी सब कह रहे हैं कि अच्छा आपको नहीं लगता कि बहुत सारी थिएटर्स बंद हो रही हैं तो शायद जब थिएटर्स खुलेंगे तो महिला प्रधान फिल्में ज्यादा ओटीटी पर ही देखी जाएंगी थिएटर, क्यों भाई ये आपने क्यों ठान लिया है, क्यों आप ये जो फॉर्मूले एक हीरो सेंट्रिक फिल्म्स है जिसे देख के हम बोर हो गए उनके बारे में आप ये क्यों नहीं कह रहे, वो तो ओटीटी पे भी कोई नहीं देखना चाह रहा है। अगर हम स्टारकास्ट की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद ही पहले कभी कैमरे के सामने आए भी होंगे लेकिन बड़ी खूबसूरती से पूरी टीम ने काम किया। वहां के लोकल लोग भी मुझे लगता है कि मौजूद थे शूटिंग के दौरान, और विजय राज जी के साथ जो आपकी बातचीत होती है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इन सबका जो एक्सपीरियंस था वो मैं जरूर जानना चाहूंगी, खासकर वहाँ के लोकल लोग और विजय राज जी के साथ, लोकल एक्टर्स के साथ जो एक्चुअली नॉन एक्टर्स थे, ज्यादातर विलेजर्स जिन्होंने कभी कैमरा फेस ही नहीं किया था, पर बहुत बहुत बिंदास थे, उनमें ना डर था ना कोई झिझक थी, वो बस मुझे लग रहा था कि शायद कैमरा ऑन होते ही या एक्शन सुनते ही वो लोग भूल जाएंगे कि क्या करना, क्योंकि मैंने पहले ही ये एक्सपीरियंस किया है। पर ये लोग मतलब मजे से काम करके जा रहे थे यार, और कैमरा में नहीं देखना है आपको, ये सब उनको सिखाया था। शॉर्ट्स के बीच में हम लोगों को भी बीच बात होती थी और बहुत ही साधारण सरल स्वभाव के लोग हैं और उनके साथ काम करके अच्छा लगा। विजय राज जी के साथ काम करके तो बहुत अच्छा लगा, यू नो मैंने उनका बहुत काम देखा है और बहुत आई एडमायर हिज वर्क, जो एक्टिंग उनके रग रग में लगती है मुझे उनको ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, बस करके चले जाते हैं। उससे पहले जब रिजेक्शन मिली थी तो कैसे संभाला अपने आप को? जब रिजेक्शन फेस किया तो ऑफकोर्स कभी कभी लगा कि शायद मैं कभी एक्टर नहीं बन पाऊंगी, शायद ये मेरे नसीब में नहीं है, शायद किस्मत में कुछ और लिखा है वगैरह वगैरह। पर मैं रोती थी, अपनी फैमिली से बात करती थी बहुत, मम्मी पापा दीदी और मेरे जीजा जी से बहुत बातें होती थी, उनको पता था कि मैं कैसे फील कर रही हूँ, तो उन्होंने बस मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ऐसे किया कि वो सुनते रहते थे, मैं बार बार वही दोहराती रहती थी, मैं कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती थी वो भी झेला है, स्पेशली मेरी मम्मी ने, उस सब में फैमिली का सपोर्ट और भगवान पर विश्वास, इन दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत ताकत दी। मैं प्रे बहुत करती हूँ और हमारे घर के पास एक साई बाबा मंदिर हुआ करता था, हुआ करता था नहीं है, पर मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई चेंबूर से, तो मैं वहाँ जाकर बस आधा पौना घंटा बैठी रहती थी, साई बाबा से बात करती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर मुझे ये देना नहीं था तो आपने मुझे ये मतलब ये लालच क्यों दी, ये सपना दिखाकर मुझे लालच क्यों दिया आपने। कभी कभी रोते हुए मैं सो जाती थी रात को, अगले दिन सुबह उठते ही नई आशा एक नई उमंग जगती मुझे, न जाने क्यों न जाने कैसे, पर आई थिंक वो मेरा अटूट विश्वास था। मुझे ये भी सिखाया गया था कि अगर आप दिल से कुछ चाहो तो वो कायनात पूरी जरूर करती है, और यही हुआ मेरे साथ। जाना चाहूंगी इंदिरा गांधी के लिए किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। नहीं, ये अफवाह है कि इंदिरा गांधी के बायोपिक पर काम शुरू हो चुका है, उसमें शायद कुछ साल लग जाएंगे क्योंकि इतना मटेरियल है, समझ में नहीं आ रहा है राइटर्स को कि क्या ले क्या छोड़ दें,
यू नो बिकॉज आई वॉन्ट टू डू जस्टिस टू द मटेरियल. तो ये लिखते लिखते फिर बनते बनते बहुत वक्त लगेगा. प्रेपरेशन की तो तब बात करेंगे. इंडस्ट्री में आपने कई बातें खुलकर कही है, खास बॉडी शेमिंग की बात करें तो कितना जरूरी था इंडस्ट्री में खुद सामने आकर खुलकर बोलना, बिकॉज आज आपकी बदौलत कई लोगों के लिए नए रास्ते खुले हैं. नहीं, पर मैं नहीं समझती कि जरूरी है आप कुछ बोले. अगर आप किसी चीज के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं और आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए, आवाज, अपनी आवाज इस्तेमाल करनी चाहिए, तो बेशक. पर आई डोंट थिंक ये जरूरी है. ये हर इंसान पे निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं.